विज्ञान कहे पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति रही आम समस्ते पृथ्वी सह जोड़ी हो रही किंतु ए सारा विश्व में एमती किसी जगह रही कि अद्भुत धरण घटना देखा मिले जहाँ को आज जाए विज्ञान खोजी पाए आपण चुंबक शक्ति कथा जानते हैं आम देश में रही एमती एक चुंबक शक्तिपूर्ण स्थान जो प्रत वर्ष लोक मैंने बुलाक जाती एवं सेठारे थिबा चुंबकीय शक्ति को परीक्षा करिथांती। एठारे आपण गाड़ी को जदि पार्क करिवे गाड़ीटी आपे आपे गड़ी चली जिवो से पुणी उठाणी आड़कु शुणी आश्चर्य लागुथिबो निश्चय तेबे केउठी अछि एइभळी स्थान जहार रहस्य आज जाए कौनसी वैज्ञानिक खोजी पाई पारि नाहंती। आसंतु जानिबा आपणंकर निजस्व रहस्य रे आम देश में एमती बहुत गुड़िए स्थान रही जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण जो प्रतिवर्ष पर्यटक से ही स्थान गुड़ी बुलाक जाती से ही स्थान मान रही लेह लदाख। लेह लदाख में भरी रही बरफ्रे घेरा पहाड़ सांग को पहाड़िया रास्तार मजा नापी अनेक मात्र टूरीस्ट मैंने जाती। लदाखर तापम्रा माइनस थ सेठारे अधिकांश समय बरफ मध्य पड़ता है। आदि आपण लदाख को बुलाक जाऊँगी तेब आपण निश्चित भाव रहस्यमय पहाड़ देखिथे जो आपे आपे गाड़ी गुड़िक उठाणी आड़ को माड़ जाए। ले कारगिल हाइवे लेह सहर को प्राय 30 किलोमीटर दूर रही मैग्नेटिक हिल। यही मैग्नेटिक हिल कहुवा स्थान असल कौन यही बाट दे जो गाड़ी गुड़िक जाए बादी गाड़ी को से ही स्थान रे पार्क कर दिया जाए तबे गाड़ीटी पहाड़िया रास्तार ऊपर को आपे आपे माड़ जाए। एठाकर लोक मान विश्वास रही माध्याकर्षण शक्ति अधिक मात्रा रे रही से अधिकांश लोक मैंने स्थान को आकर्षित हो आसी थांती। आश्चर्यपूर्ण जगह को देखा प्रत वर्ष टूरीस्ट मान भिड़ जमी थाए। यही पहाड़िया रास्ता को रहस्यमय हिल कहुए कुहा जाए जदि रास्तार गोटाए कार को पार्क करा जाए तबे गाड़ीटी घंटा प्रति 20 किलोमीटर सहजरे गड़ी जाए। लोक मान्यता अनुजाई एठारे अधिक परिमाणर माध्याकर्षण शक्ति रही एपरी गाड़ी गुड़िक विपरीत दिग आड़ को माड़ जाउचे किंतु आज जाए कौन सी वैज्ञानिक या पछरे थिबा रहस्य खोजी पाइनाहंती। स्थानर विशेषत्व खोजिबाकु जाई बहु अनुसंधानकारी रिसर्च करिछंती जे पहाड़ गोटे प्रकार शक्तिशाली चुंबक शक्ति उत्पन्न होद्वारा यही स्थान में जा गाड़ी गुड़िक ऊपर आड़ को आपे आपे माड़ जा तेबे से जहा होना कहीं गाड़ी को जदि आम से स्थान में पार्क करवा गाड़ीटी तल आड़ को गड़जा परे ऊपर आड़ को माड़ जा रहस्य आज जाए कही खोजी पाई पारिनाहंती।